माई न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। तो इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं, आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे कुछ इस प्रकार जिस प्रकार हम व्यस्त हैं। तो जैसे ही देख पा रहे हैं कि हम आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपना घर। कई बार बता तो चुका हूँ, बट यहीं पर आए हैं। काम बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि रात को बारिश आ गया था, काफ़ी भयंकर रूप से बारिश आया, तो अंदर पूरा गीला गीला हुआ है। अब जाकर सूखा है, दिन भर घाम लगा तो सूख गया और अकेला काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन दीपावली से पहले मेरा कोशिश है कि मैं दीपावली से पहले पूरा क्लियर कर दूं, ताकि मैं जो मंदिर दिख रहा है ना, उस मंदिर को भी मैं सजा पाऊं। ठीक है, अच्छी तरह से अपने हिसाब से सजाना है। और एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आप उस साइड में कॉर्नर में देख रहे हैं, वहीं पर एक बड़ा सा यूट्यूब का लोगो लिखेंगे और यहाँ पर भी YT स्टूडियो का लोगो रहेगा, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर भी लोगो रहेगा। अभी तो आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, बट जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब देखने में अच्छा लगेगा। तो गाइस, तो यही है हमारा नया घर जहाँ पे बनने वाला है, और ये है हमारे हनुमान जी का मंदिर। और चलिए मैं आपको आज पूरी तरीके से अपने गांव का बगीचा दिखाता हूँ। और दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गाँव का जो बगीचा ना, काफ़ी ख़तरनाक है। आप दिन में आ सकते हैं, नाइट के समय नहीं आ सकते हैं। अगर आप एक अनजान व्यक्ति हैं तो आप तो हिम्मत करके आएँगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, यहाँ की एरिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप आ सकते हैं। बट जब पता चलेगा बगीचे में आने के बाद, तब आपको बहुत डर लगेगा। मतलब क्या बताऊँ मैं, डर का कोई लिमिट नहीं होता है। मतलब रात के समय काफ़ी भयंकर हो जाता है हमारे यहाँ का बगीचा। ठीक है, तो हमारा बगीचा वहाँ से शुरू होता है। चलिए इसके एग्जिट पॉइंट तक चलते हैं इस बगीचे के, उसके बाद से देखिएगा। और यही बात है, और मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। जब रहूँगा यहाँ पर तो यहाँ का नज़ारा आपको और अच्छे तरीके से मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी घर से आना होता है तो टाइम लग जाता है आने में, क्योंकि हमारे यहाँ से घर भी काफ़ी दूर है। तो सिर्फ वीडियो के लिए आते हैं। और जो आप काम देख रहे हैं हमारे घर का, मैं अकेला कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए गाइस, काम करवाने के लिए पैसा लगता है, बट काम करने के लिए पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो करवाने के लिए पैसा नहीं है, बट करने के लिए तो हाथ है ना, हम कर सकते हैं। करने के लिए हाथ है, हिम्मत है, और आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप साथ देंगे और हम कर पाएंगे और करेंगे भी। तो यही है, तो देख पा रहे हैं हमारे बगीचे का व्यू जो है कुछ इस प्रकार दिखेगा। पहले तो गाइस और ज़्यादा घना था, और एक राज की बात बताऊं, नहीं बताऊंगा क्योंकि बताने में ही डर लग रही है, क्योंकि मैं एक बार कैंपिंग कर रहा था, उसका वीडियो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड किया हूँ। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, होगा चेक कर सकते हैं, और नहीं बता सकता क्यों बताने में डर लग रही है। चलिए फिलहाल इस बात को ख़त्म करते हैं। और देखिए, भगवान लोग सच कहते हैं कि जो भगवान देते हैं तो फाड़ कर देते हैं, यानी छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, नहीं देते हैं तो फाड़ कर भी लेते हैं। ठीक है, ये देखिए धान हमारा होने वाला नहीं था, जो धान का आप खेती देख रहे हैं होने वाला नहीं था, लेकिन देखिए हो रहा है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए और एक बार पलट कर ताक दिए तो धान होने लगा। और ये है हमारा बगीचा का एग्जिट पॉइंट, और यहाँ से कोई बगीचा नहीं है, यहाँ से आपको खाली जंगल झाड़ दिखेगा। ये देख लीजिए चारों तरफ जंगल झाड़ी देखेगा। और यहाँ से देख लीजिए हमारे बगीचे का एग्जिट पॉइंट से आप अंदर का व्यू देखेंगे ना, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब जो और ज़्यादा लंबा है बगीचा, उधर तक जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जंगल झाड़ होने की वजह से, कीड़े मकोड़े होने की वजह से मैं नहीं जाऊँगा आज। ठीक है, कभी जाऊँगा जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, ठीक है, जंगल झाड़ में। तो यही है हमारे यहाँ का सिस्टम। ठीक है, और देख गाइस, मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ एक बात बताकर, कि देखिए आपको जो देहात में मिल जाएगा ना, जो देहात में, जो गांव में आपको मिल जाएगा ना, आप जो खुशी फील कर लेंगे ना, वो आपको शहर में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने शहर में देखा होगा कि शहर में उतने दूर में लोग घर बना देते हैं, जितने दूर में गाँव के लोग अपना द्वार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब गाँव के लोग जो भी होते हैं ना, वो मतलब अच्छा से रहना चाहते हैं। ठीक है, गजन में और तकलीफ एरिया में नहीं रहते हैं, तो मतलब यहाँ के नेचुरल, मतलब जो भी है अच्छा लगता है, मतलब लोगों का व्यवहार भी अच्छा लगता है। कुछ खड़ूस लोग भी होते हैं जिनका अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनका बहुत अच्छा लगता है। ये तो बात की बात है, आप गाँव से होंगे, विलेज से होंगे, तो आपको पता ही होगा, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, आप जानते ही होंगे। तो शाम का समय है, सूर्य भगवान ढलने को आए हैं, और इस समय का व्यू अच्छा लग रहा है, टहलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यही बात है, चलिए हाल फिलहाल चलते हैं अपने घर के पास जहाँ पे हमारा बनने वाला है। ठीक है,
तो मैं एक और मैं आपको बात बता दूं कि मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, रहने के लिए क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे मैं 7 साल से था, ठीक है। कई बार यूट्यूब पे मैं सफल हुआ, असफल हुआ, और आज मैं असफल हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, यूट्यूब छोड़ो, वीडियो छोड़ो, परदेश जाओ, नौकरी करो। बट मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को बस यूट्यूब में अपना मतलब काम करना है, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ, रियलिटी बताऊँ तो मैं यूट्यूब से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को इस पर काम करने में काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो इंसान को ही काम करना चाहिए जो उसके लिए सही हो, ठीक है। तो इसीलिए घर वालों ने बोला कि जो करना है घर से बाहर जाकर करो, घर में नहीं करना है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो करेंगे ना। सच कहता हूँ, यहाँ पर तो कर सकते हैं ना, घर पर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो कर सकते हैं ना। तो फाइनली यहीं पर करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। यही हमारा डिसीजन, और मेरा डिसीजन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि गाइज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। और अपने इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कोशिश करूँगा कि अगले बार कुछ हटके वीडियो बनाऊँ आप सभी के इंटरटेनमेंट के लिए। बट जो भी देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।